तो क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और नई वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हमारी CWL की तीसरे दिन की वार होने वाली है, वार की हाईलाइट्स, जहां पर तुम सब देख सकते हो कि हम लोग 35 स्टार्स मार चुके हैं और ओपोनेंट ने सिर्फ 24 स्टार्स ही मार पाए हमारे विरुद्ध। तो सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई लोग बस 500 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन से हम बस 20 सब्सक्राइबर्स दूर है, अभी 480 हो चुके हैं। बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लें। तो चलो वीडियो में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारी तीसरे दिन की जो वार होने वाली है, यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि हम लोग 35 स्टार्स मार चुके हैं। इससे पहले अगर तुमने डे टू की वीडियो नहीं देखी थी हमारी दूसरे दिन की CWL के हाइलाइट्स, तो वो वाली वीडियो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। और अगर तुमने हमारी क्लैन में डे वन CWL की वार की वीडियो भी नहीं देखी है, जहाँ पे हमारे क्लैन से एक इम्पोस्टर पकड़ा गया था और उसकी कहानी क्या थी, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक भी यहाँ आई में तुम लोग को मिल जाएगा, वो भी बाद में देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा जो सबसे पहला ये टाउन हॉल 16 का अकाउंट था, इसका पहला अटैक तुम लोग को मैं CWL में आज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले जो जो क्लैंस आए थे वो दिखाने लायक नहीं थे। भाई क्या बोलूँ, जब से क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने पोशन का अपडेट दिया है कि पावर पोशन और हीरो पोशन यूज़ करो और सारे हीरो और आर्मी को टाउन हॉल के हिसाब से मैक्स आउट कर दो, भाई खेलने का मज़ा ही मतलब बदल सा गया है। ओपोनेंट में ये जो मोनोलिथ वगैरह हो, इस बेस में शायद मोनोलिथ था नहीं, सिंगल इन्फर्नो हो, मैक्स आउट ईगल आर्टिलरी हो, टाउन हॉल हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पोशन मार के जाओ, 3 स्टार मार के आ जाओ। लेकिन स्ट्रैटेजी फिर भी लगती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत का किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आर्मी बस सिंबल थी, कुछ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स लेकर चला गया था, वॉल ब्रेकर्स की जगह रूट राइडर ले लिया था। और भाई यार CWL में इतनी बेहुदा CC क्यों रखते हैं ये लोग, पता नहीं नॉर्मल इलेक्ट्रो ड्रैगन रख दिया है। इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे 95 लेवल के क्वीन के सामने कुछ है, और यहाँ पे एक दो इन नाम क्या है इनका एक्सबॉस इनके सामने रख देते, लेकिन रूट राइडर बहुत खतरनाक है, अकेले ही इस एक उस को निकाल देना देगा, ये देख लेना। और किंग यहाँ पे अपना अच्छी तरह से फनलिंग का काम कर रहा था, शायद मुझे इस सबसे एक या दो हेडनेस छोड़ने चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से क्वीन के ऊपर था, क्योंकि हीलर्स को क्वीन देखो ये एक रूट राइडर नहीं, एक एक्सपो को निकाल दिया, मैक्स और नहीं था। यहाँ पे मुझे RC और नाम गया इसका बैटल वेयर को छोड़ना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी इसलिए एक फ्री स्पेल भी ज़ाया हुआ उसके पीछे। इस सबसे देख सकते हो कि किंग कैसे मारा, उसको इन्फर्नो ने पकड़ा या फिर RC और क्वीन ने मिलकर मारा या फिर स्कैटर शॉट ने मारा, ये तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि ऊपर का टाउन हॉल पे यहाँ पे बंदे ने टेस्ला फार्म में रखा था 4 टेस्ला, 5वां टेस्ला किधर था भाई, दिखने को मिला नहीं। इस तरफ से मैंने वार्डन के साथ अपनी जो बाकी आर्मी थी पूरी मैंने इस तरफ से छोड़ डाली, और इस सबसे रेज के अंदर ना तो हीलर्स थे ना ही क्वीन थे, क्योंकि ये जो नाम के इनका एयर स्वीपर्स बहुत ही गंदा काम कर रहे थे हीलर्स को धक्का दे के बाहर भेजने का। लेकिन भाई 95 लेवल की क्वीन थी और 95 लेवल के हीरोज थे मैक्स आउट, 8 के ऊपर नया वाला पैक था, तुम जो भी करो टाउन हॉल 16 में अगर मल्टी आर्चर टावर्स और रिकोशेट कैनन ओपन नहीं आएंगे तो वही टाउन हॉल 15 के ऊपर तुम्हारा 3 स्टार आने से सुपर सेल खुद भी तुमको नहीं रोक पाएगा, इतनी पावरफुल अब ये अटैक स्ट्रेटजीज बन चुकी है पोशन अपडेट के बाद। CWL में तो अब सब लोग भर भर के 3 स्टार्स मारेंगे, भाई ऐसी चीज़ हो चुकी है, बहुत खतरनाक चीज़ हो चुकी है। टाइम फेल का तो मतलब कोई कहानी बनती ही नहीं है, क्योंकि आर्मियाँ इतनी पावरफुल हो गई है ना, अंत तक बहुत आर्मी बच जाती है। तो इसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरा ये वाला अटैक, दिखाओ का नहीं, ओपोनेंट का बेस पूरा मैक्स आउट नहीं था, एक अच्छा बेस को दिखाते ये वाला अटैक भाई माँ कसम, मतलब पहले बेस का लेआउट देखो, इस बेस का लेआउट देखने से तुम्हें एक बेस की याद आई होगी, टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 11 में एक बेस बहुत फेमस हुआ था, अगर उस बेस की तुम लोग को अटैक स्ट्रेटजी देखनी है, मैंने एक बहुत अच्छा खासा क्रैक निकाल कर रखा है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, तो देख लेना जाकर अगर तुम्हें इस तरह उस तरह के बेस को 3 स्टार मारने में दिक्कत आ रही है तो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई है और इजी है, और इसके ऊपर भी मैंने वही स्ट्रेटजी यूज़ की थी, लेकिन ये अकाउंट मेरा नहीं था, मेरा भाई का था प्रियम का, तो उसके अकाउंट में नॉर्मल हाइब्रिड आर्मी सेट की हुई थी, लेकिन हाइब्रिड आर्मी के साथ जो हम लेते हैं ना नाम क्या उसका सीज बैरक, उसकी जगह पर वो लेता था नाम क्या इसका भूल गया हाँ फ्लेम फिंगर। तो यह तब तो ठीक था कि फ्लेम फिंगर के साथ जैसे डबल कैनन है इस सबसे मैं छोड़ूंगा, फ्लेम फिंगर अपना काम करते करते धीरे धीरे ये जो नाम क्या इसका स्कैटर शॉट है इस यहाँ तक पहुँच जाएगा और इन्फर्नो को भी शायद निकाल लेगा, ये प्लान था, इस सबसे क्वीन चार्ज करूँगा। लेकिन हम हमेशा जो प्लान करते हैं सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। इस तरफ वार्डन बाहर था और साथ में RC भी थी, और यहाँ पर मुझे सावधान होना चाहिए था कि यहाँ पर एक टेस्ला निकला है तो इस साइड पर भी टेस्ला हो सकता है, लेकिन फ्लिंगर को छोड़ के मैं भूल गया था, मेरे पास छोटे मोटे बारबेल में नहीं थे टेस्ट आउट करने के लिए, क्योंकि आर्मी मैंने सेट की नहीं हुई थी, मेरा भाई ने सेट की हुई आर्मी थी मेरे लिए।
मैं तो बस गया था और अटैक मारना चला गया था। इस सबसे अब होगा मसला, थोड़ा और आगे आने दो, थोड़ा और आगे आने दो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, यहाँ पर निकला टेस्ला और ये टेस्ला मेरी फ्लिंगर की पुंगी बजा देगा। और मैं तो इस सबसे क्वीन चार्ज में पूरा व्यस्त हो चुका था। दो टेस्ला इधर से मिल चुका था, एक इधर से मिल चुका था। देखो देखो, ये एक टेस्ला ने मेरे पूरा हाइब्रिड की बैन बजा दी। लेकिन तुम लोगों को इससे भी बढ़िया बात क्या पता है, मेरी जो हाइब्रिड आर्मी थी एक्स्ट्रा 8 हॉग्स 8 या 9 हॉग्स वो यहीं पे उड़ चुके थे। मेरा ध्यान तो पूरा क्वीन चार्ज के ऊपर था, लेकिन इधर से सीसी भी फट चुकी थी और पूरी आर्मी भी निकल चुकी थी। तो मुझे इधर से किंग को उतारना पड़ गया। और हाइब्रिड में तुम लोग पिक्का विज़र्ड सारे एक्स्ट्रा आर्मीज मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीज ब्रेकर यूज़ नहीं की थी, इसलिए दिक्कत की बात आ गई थी। क्योंकि बेस बस 30% ही निकला था। ये तो अच्छे हुए कि सीसी के अंदर ना तो सुपर ड्रैगन था आइस लावा था, और ना ही इधर वो था नाम क्या होता है सुपर ड्रैगन था, इसलिए क्वीन के लिए कोई दिक्कत की बात थी नहीं, पॉइजन भी नहीं लगता। क्योंकि 75 लेवल की क्वीन थी और सारे आर्मियों के ऊपर बूस्ट चल रहा था, इसीलिए कह दो भाई देखो अगर मैक्स आउट आर्मी हो ना तो तुम्हारा अटैक कितना भी गलत चला जाए हाइब्रिड अटैक में 3-स्टार लग ही जाता है। लेकिन ये बात हर जगह ठीक नहीं है, क्योंकि एक टाउनल 13 और एक 12 टाउनल 12 से इसी वार में मैं एक दो अटैक्स फेल कर चुका हूँ हाइब्रिड आर्मी के साथ। दोनों ही एक 72% 74% लगे, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज गया था, वो प्रॉपर फील हुआ था बहुत ही बड़ी तरीके से। फिर क्वीन चार्ज में क्वीन गलत चली गई थी और क्वीन बहुत जल्दी मर गई थी। अगर तुम हाइब्रिड आर्मी के साथ वार में अटैक कर रहे हो खास करके सी डब्ल्यू में, तो ये याद रखना। यहाँ पे आरसी को उतारने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर उतार दिया था क्योंकि मुझे डर लग गया था भाई कि वैसे तो आर्मी बहुत ही कम थी और साथ में चीज़ भी बहुत कम थी। यह स्केटन निकल चुका था जिसका कोई किसी ने उसको वैल्यू नहीं दी, वो अलग बात है। तो हाइब्रिड आर्मी में अगर तुम्हारी क्वीन अंत तक जिंदा नहीं रहती है तो तुम्हारा हाइब्रिड फेल भी जा सकता है। ये मेरा एकदम रश वाला बेस था भाई, इस पर किसने आके ओहो 4th नंबर का बेस था, इसीलिए 60% गया। अगर ऊपर के माते तो 3-स्टार आराम से आ जाते। तो एक और इस वीडियो का तुम्हें लास्ट रैंक दिखाऊंगा, ये वाला मेरा काताकुरी अकाउंट के साथ जो कि मैंने किया था टाउन हॉल 12 से टाउन हॉल 12 के ऊपर ही, जो कि अपने का टाउन हॉल 12 मैक्स आउट नहीं था। इस अब ये वाला अटैक जो मैंने किया था यहाँ पे थोड़ा झोल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइब्रिड अटैक यूज़ नहीं किया था, क्वीन चार्ज के साथ ड्रैगन स्पैम किया था। क्योंकि वार्डन ना होता तो थोड़ा दिक्कत आ सकता था। तो बेस तो उतना भी खास नहीं थे, लेकिन सिंगल इन्फर्नोस रखे हुए थे दो दो वाल्स के लेयर के साथ, क्योंकि सिंगल इन्फर्नोस ऐसी जगह इसने सेट आउट किए थे। ये तो अच्छा हुआ कि तीसरा इन्फर्नो नहीं था टाउन 12 में, शायद ज़्यादा दिन हुए हैं नहीं जो गया है, लेकिन सिंगल इन्फर्नो भाई बिठा लेना चाहिए था, वो यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे दिक्कत की बात तो थी, क्योंकि इधर से एक्सबोस को भी इसने ऐसी तरीके से सेट आउट किया है कि मैं यहाँ पे फ्लिंगर लेकर गया था, फ्लिंगर के साथ वैसी वैल्यू आती नहीं। तो देखो इस आर्मी के साथ मेरा प्लान सिंपल था कि दो दो जो यहाँ पे एयर डिफेंसेस है, इन दो एयर डिफेंसेस को मुझे निकालना है इलेक्ट्रो स्पेल्स के साथ, और एक साइड से क्वीन चार्ज करना है, और ये जो एक सिंगल इन्फर्नो है इसको मुझे निकालना है फ्लिंगर के साथ, बस इसको फिंगर के साथ निकालना है। और यहाँ पे सीसी जो है क्वीन निकाल लेगी, बाकी ये जो एक सिंगल इन्फर्नो है यहाँ से हम लोग बाकी आर्मी घुसा देंगे वार्डन के साथ, तो वो बेस निकल जाएगा। तो इधर से बचा कौन, टाउन हॉल मैक्स भी नहीं है, शायद दो लेवल का टाउन हॉल है और दो एक्सबोस है, जो कि हमारे बाकी बचे आर्मी आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम मैंने कर दिया कि क्वीन बाहर भटक नहीं गई थी, अंदर गई थी, क्योंकि क्वीन का अंदर जाना ज़रूरी था। क्वीन अंदर जाती तभी उसको ये दो या डिफेंसेस मिलते, ये जो ईगल आर्टिलरी है ये भी मिलती, और ये एनिमी का सीसी भी मिलता। ये इधर से एक अच्छी बात यह है कि जो फ्लेम फिंगर था, फ्लेम फिंगर इन्फर्नो टावर को पकड़ चुका था। और अभी तक मैंने और कोई आर्मी नहीं डाली थी, देख सकते हो 30% की वजह निकल चुकी थी क्वीन एक ड्रैगन और फ्लिंगर के साथ। ये तो अच्छा कि एनिमी सीसी भी हमको इधर से मिल गई थी, एनिमी क्वीन भी हम लोगों को इस सबसे मिलने ही वाली थी। क्या एक दिक्कत हो गई थी कि क्वीन स्टोरेज को मारने में व्यस्त हो गई थी, उस तरफ से एक हीलर का हमारा काम तमाम हो गया था, और शायद दूसरा भी, हाँ दूसरा हीलर भी जा चुकी थी। इधर से किंग के साथ फंडिंग कर रहा था, क्योंकि क्वीन दूसरी तरफ ना चली जाए। उधर से एक हमारा जो ड्रैगन छोड़ा गया था, एक ड्रैगन ने बहुत ही अच्छी फंडिंग करके दे दी थी, लेकिन हमारे पास उस तरफ से दो दो हीलर्स भी बाकी थे। और मैंने इस तरफ से अपनी सारी ड्रैगन आर्मी को स्पैम किया, क्योंकि इस तरफ भाई दो तीन डिफेंसेस बचे हुए थे, बड़े बड़े स्टोरेजेस। अगर ये इधर से ना उतारता तो भाई इसका बम मैक्स आउट नहीं था, और बाकी बचे बलून उन्होंने इस सबसे डाल देते थे ताकि इन्फर्नो टावर्स को निकाल ले, लेकिन एक दो अच्छे टावर्स थे इसीलिए नहीं उतरे। हमेशा तुम लोग टाउन हॉल को कोई नहीं निकाल लिया, स्पेल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमेशा दो तीन मिनियन आर्चर्स विज़र्ड ये सब लेके रखना, क्योंकि भाई बहुत काम आते हैं ये जो तुम्हारा नाम क्या है इसका क्लीन अप के लिए। अगर मैं मिनियंस को ना लेकर जाता हूँ जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बची रह जाती। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी मैंने ऐसे यूज़ कर दी क्योंकि सिंगल इन्फर्नो उन्होंने पकड़ लिया था, अब एक हीलर को पकड़ चुकी थी। इस तरह से देख सकते हो मेरे पास बहुत ही आर्मी थी। देखो जब तुम ड्रैगन के साथ स्पैम करोगे, सी डब्ल्यू में हो जाए, नॉर्मल वार में हो जाए,
ऐसा करो, देखो देखो एक चीज़ देखो, ये जो हमारे मिनियंस भाई है, मिनियंस भाई नहीं और साथ में एक दो आर्चर्स नहीं, सिंगल इन्फंदो को निकाल लिया। ठीक ठाक से फंडलिंग करोगे, आर्मी डाइवर्ट नहीं होगी। देखो टॉर्नेडो ट्रैप भी लास्ट में निकला, थोड़ी और जल्दी खत्म होता तो टॉर्नेडो ट्रैप शायद निकलता ही नहीं। अगर ठीक ठाक फंडलिंग करके आर्मी छोड़ोगे तो कोई भी आर्मी हो तुम्हारी, 3 स्टार आना तुम्हारा पक्का है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बस तुम्हें को 3 अटैक दिखाने थे, क्योंकि 3 से ज़्यादा अटैक दिखाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं तुम्हें सुनूंगा कल क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और नई वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि तुम्हें हमारी क्लैन की 4th दिन की वार हाइलाइट्स, वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे मसले हुए वो। तो जाओ जाके आराम करो, CWL खेलो भाई, जनवरी का महीना है।